हेलो चेक, हेलो 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 और आदेश मिला है हमारे सभी प्रबुद्ध जनों का, सभी बड़े भाइयों का, हमारे शंभू भैया। और उससे पहले भी आपने बड़ी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां, आदरणीय हमारे दादाजी श्री माता दीन विश्वकर्मा जी और हमारे परम सम्मानी बड़े भैया श्री पप्पू भैया, उन सभी के माध्यम से सुंदर सुंदर गीतों को आप सभी ने सुना है। और अचानक से हमारे शंभू भैया ने बोल दिया कि राखी अब तुम्हारा नंबर है, क्योंकि प्रधान जी बहुत देर से बैठे हैं। अच्छा अच्छा आप हैं, तसल्ली नहीं हो रही बेटा, तुम्हारा ही होएगा। तो इतनी जल्दी में हम लोग सोच भी नहीं पा रहे कि आखिर सुना क्या दें आपको। लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास मैं अपनी ओर से कर रही हूँ, भैया थोड़ा इसका आवाज बढ़ा दें। सुना होगा कौन सा बेटे, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये हमारे भैया, हमारे धर्मेंद्र भैया, धर्मेंद्र शर्मा जी समाज सेवी हैं आप, और धर्मेंद्र राव जी वार्ड नंबर 63। हाँ हाँ, आपके माध्यम से ये बहुमूल्य आशीर्वाद 101 मुद्राओं का आया है। और आपने कहा है कि एक गीत सुनना है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, कौन सा, और कहा गया क्या कि तुझको याद ना आए ऐसा कभी भी हो ना। रूठे रब को
मुश्किल भैया हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी और धर्मेंद्र राव जी, आप दोनों भाइयों के माध्यम से पुनः ये एक से एक मुद्राओं का आशीर्वाद आपने कहा इसी धुन पर, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 51 मुद्राएं प्रेम भैया की तरफ से प्रदत्त हो रहे हैं, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। सुने आप देना पड़े हैं और क्या, इसीलिए सामने बैठ। अच्छा पहले दे जाओ नाम, तब बाद में बैठना। ये सोचे जवाब क्या देना पड़ेगा। भैया श्री किशन यादव जी, अच्छा भीषण यादव किशन के बड़े भाई भीषण यादव, ये भैया के माध्यम से एक से मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। सुनिएगा, इस मिट्टी से पैदा लोगों हो सकता है सोना, तो रूठे रब को, अरे रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। जो मेरे घराने के सबसे सुरीले कलाकार हैं, मेरे बड़े भाई परम सम्मानीय पप्पू भैया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जिन्होंने टी सीरीज की दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बना ली है, पप्पू बेदरक जी आपके माध्यम से यह आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। और ये पुष्पमाल और साथ में 200 मुद्राओं का आशीर्वाद ये हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय हमारे सम्मानित देवेंद्र तिवारी जी और पप्पू भैया आपकी तरफ से मेरे लिए 200 मुद्राएं और सभी कलाकारों के लिए भी आपने 51 मुद्राएं दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है सम्मानित पप्पू भैया को, धन्यवाद। सुनेगा, Thank you.
अचानक से नाम ले लिया राखी, अब तुमको गाना है। तो जल्दी में जो कुछ भी मुझे याद आ रहा है मैं आपको सुना रही हूँ। क्या बात है। और ये हमारे भतीजे हैं, हमारे भतीजे हैं। हाँ बिल्कुल, सम्मान्य भैया हमारे सतीश वर्मा जी जो लखनऊ से पधारे हैं। नहीं नहीं, हकीकत में ये मेरे भतीजे ही हैं। भतीजे, ये मेरे भतीजे की तरफ से अपनी बुआ के लिए 200 मुद्राओं का पुरस्कार प्रदान हो रहा है, साधुवाद है। और सम्मानी हमारे बड़े भाई साहब श्री राजीव मिश्रा जी, आप भी लखनऊ से चल कर के आए हैं और आपके माध्यम से भी ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। इक्यावन मुद्राएं नीरज पाठक जी, अच्छा अच्छा, 51 मुद्राएं नीरज ठाकुर जी और 51 मुद्राएं धीरज धीरज भैया और 51 मुद्राएं विशाल भैया। आप तीनों भाइयों के माध्यम से ये बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको और परमात्मा सभी का कल्याण करें। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे, हाँ सही कह रहे हैं, सम्मानी हमारे श्री भैरव प्रसाद जी मैनेजर आलमपुर स्टेट बैसवारा लालगंज रायबरेली की धरती से आप पधारे हैं और आपके माध्यम से ये 251 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। और साथ में एक सूचना भी है, आने वाली 22 मार्च को विशाल जवाबी कार्यक्रम का आयोजन भी आपने रखा है जिसमें पार्टियां हैं। एक पार्टी है महानगर कानपुर की श्रीमती क्रांति माला जी और दूसरी है लखनऊ से श्रीमती रोशनी अंजान जी और कार्यक्रम स्थल है डीह रायबरेली। यहाँ पर ये विशाल जवाबी कार्यक्रम होना है तो आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। पुरस्कार के लिए भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने, अरे वाह, एक बार भैया के लिए तालियां हो जाए, हो जाए। ये हमारे परम सम्मानी आदरणीय श्री भैया एस के सैनी जी और आप भी लखनऊ से पधारे हैं और ये लखनऊ का अंदाज है, पैसों का गुलदस्ता। हाँ ये फुर्री लखनऊ की है, ऐसी को लगा नहीं पाता। ये अनगिनत पुरस्कार हमारे सैनी जी के माध्यम से प्रदान हो रहे हैं, हृदय से नमन कर रही हूँ बड़े भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुने आप, तो मेरा कहना है भैया, अरे छोड़ के तन व्यक्ति की जब अंतिम घड़ी आती है तो होता क्या है, क्या अरे छोड़ के तन परमात्मा के घर आत्मा जब जाती है तो छोड़ के तन परमात्मा के घर आत्मा जब जाती है। आत्मा जब परमात्मा के पास चली जाती है, हाँ हाँ, लेकिन अरे परमात्मा स्वयं आए जब शुभ घड़ी आती है, परमात्मा स्वयं चल के आ जाए ऐसा बड़ा शुभ दिन होता है। तो मेरा कहना है क्या कि परमात्मा स्वयं आए जब शुभ घड़ी आती है तो कहा गया क्या कि रूठे राम को, अरे रूठे राम को हंसाना आसान है, कि रूठे राम को हंसाना आसान है, उनको वन वन रुलाना मुश्किल
भैया श्री मनोज त्रिवेदी जी, प्रधान जी आप चिंता खेड़ा गए और आपके द्वारा 100 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। भैया हमारे नीरज ठाकुर जी और धर्मेंद्र शर्मा और दीनदयाल भैया, आप सभी भाइयों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। सुने कहा गया है कि रूठे राम को हंसाना आसान है, हाँ हाँ, लेकिन उनको वन वन रुलाना मुश्किल है। क्यों क्यों? तो रूठे राम को हंसाना आसान है, उनको वन वन रुलाना मुश्किल है। तो अच्छे खासे बैठे थे, पता नहीं क्या हो गया, अचानक भगवान के घर चले गए। लेकिन अच्छा 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 क्या बात है, ये हमारे सोनू भैया, सोनू यादव जी गौरी भीतर गांव, और अभी हाल ही में हमारा और शंभू भैया का आपके यहाँ कार्यक्रम भी हो चुका है, तो आपके माध्यम से ये बहुमूल्य 100 मुद्राओं का आशीर्वाद है और एक कुसुमाल है भैया को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में ये हमारे सम्मान भैया श्री नरेंद्र यादव जी इलेक्ट्रॉनिक्स पालपुर भीतर गांव, आपके माध्यम से 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है, भैया को धन्यवाद है। और सम्मान हमारे कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स गौरी भीतर गांव, आपके द्वारा भी 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है, साधुवाद है आप सभी भाइयों को, नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आप तो भगवान के घर जाना आसान है, अरे भगवान के घर जाना आसान है, लेकिन घर भगवान को बुलाना मुश्किल है। छोटी बहन जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे, आदरणीय सम्मानीय सुश्री नीलम विश्वकर्मा जी, जी हाँ, जिन्होंने बहुत ही कम समय में कीर्तन की दुनिया में, संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और मेरी तरफ से बाबा बजरंगबली से ये शुभकामनाएं हैं कि हनुमान जी महाराज सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप इस कार्य क्षेत्र में दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होती जाएं। बिल्कुल बिल्कुल कामना है मेरी ओर से। और ये हमारी बिटिया चेतना आजाद जो गोंडा से पधारी हैं, और आपने भी इस कीर्तन क्षेत्र में बहुत कम समय में अपना परचम लहरा दिया है, तो ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद और ये पुष्पमाला आपके द्वारा प्रदत्त हुई है, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुने आप घर भगवान के तो जाना आसान है, या तो भगवान के घर जाना आसान है, लेकिन घर भगवान को बुलाना, घर भगवान को बुलाना, घर भगवान को बुलाना। एक टुकड़ा और सुनिएगा आप लोग, कहते हैं कि चाहे केवट चाहे जटा दोनों की भक्ति निराली,
भक्ति तो दोनों ने की, लेकिन दोनों की भक्ति में अंतर क्या है? तो चाहे केवट चाहे जटायु, दोनों की भक्ति निराली। अंतर क्या है? क्या कि एक ने जान से चाहा, एक ने जान स्वयं दे डाली। कोई बात नहीं, ये सेटिंग का मामला है। और क्या? एक ने जान से चाहा, एक ने जान स्वयं दे डाली। एक ने भगवान को जान से ज्यादा चाहा और एक ने भगवान की अपनी जान ही दे डाली। तो कहना पड़ा, एक ने जान से चाहा, एक ने जान स्वयं दे डाली। तो कहा गया क्या? पग भगवान के, पग भगवान के धो पाना आसान है भैया। पग भगवान के धो पाना आसान है, लेकिन पग भगवान से धुलाना मुश्किल। पग भगवान से धुलाना मुश्किल है। और कि गोद प्रभु को उठाना आसान है। भगवान को गोद में तो दशरथ जी, तीनों माताओं ने, देवकी, यशोदा ने, सब ने उठाया। और हमारे ये भी हमारे घराने के एक सक्षम और सुरीले कलाकार, मेरे बड़े भाई परम सम्मानी भैया श्री संतोष राही जी, आपके माध्यम से ये बहुमूल्य एक पुष्पहार है और साथ में ये आशीर्वाद भैया की ओर से प्रदत्त हो रहा है। और हमारे जिला जालौन बुंदेलखंड के एक उभरते हुए कलाकार हैं हमारे भैया नंद किशोर निराला जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये भैया के माध्यम से भी 51 पत्र मुद्राएं हैं और पुष्पहार है। साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ सही है, अभी पता नहीं है पानी पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। निकल रहा है, निकल रहा है। ये हमारे लखनऊ के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं भैया, हमारे सर्वे साहसी जी। लाओ पहले आपका ही बोल दें। हाँ, इन्हीं का बोलो। किससे मांगा? लौटाना पड़ेगा क्या? आए ब्याज लगा के? अच्छा अच्छा, ये हमारे पंकज भैया जो रायबरेली के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और अच्छे आयोजक भी हैं। पंकज भैया की तरफ से 100 मुद्राओं का आशीर्वाद है। और ये हमारे कीर्तन जगत के जो मेरे भाई हैं, और हकीकत में मान के चलिए दिल से जिनको मानते भी हैं हम लोग, हमारे, हाँ वो भी हमारे घराने के हैं, लेकिन थोड़े थोड़े कंजूस भाई हैं मेरे। ये हमारे लालवन भैया की तरफ से भी 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है और सभी भाइयों को मेरी ओर से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। भैया हमारे सर्वे साहसी जी, आपके माध्यम से 51 मुद्राएं हैं। और एक सूचना है कि विशाल जवाबी कीर्तन दिनांक 13 अप्रैल, स्थान है सुरौली मियांगंज उन्नाव, जिसमें कलाकार हैं भैया हमारे अवधेश अचल जी उन्नाव से एवं सर्वे साहसी जी लखनऊ से। आयोजक भैया दिनेश मौर्या जी, आशु भैया, विनय भैया एवं समस्त ग्रामवासी। ये सर्वे भाई भैया के माध्यम से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। साधुवाद है, धन्यवाद है। और हमारे परम सम्मानी भाई साहब, आदरणीय मेरे बड़े भाई, जिनको हकीकत में मैंने अपने बड़े भाई का ही दर्जा दिया है, और एक अपने आप में अलग पहचान रखने वाले और एक सुरीले कलाकार सम्मानी हमारे भाई साहब श्री सोहन बैरागी जी,
आपके माध्यम से भी ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया सूरज, भैया सूरज भगत सिंह जी तिरंगा दल, आपके माध्यम से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। ले बेटा ले। और ये हमारे बुंदेलखंड की शान, हमारे जिला झांसी से पधारे हुए हमारे पूजने जो हमारे गुरु तुल्य हैं, दादा श्री रवि हंगामा जी, आपके कर कमलों के माध्यम से ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद और एक पुष्पहार प्रदत्त हो रहा है। समानी महाराज जी को हृदय से नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है, सुने आप तो कहा गया भगवान को उठाना आसान है, लेकिन प्रभु की गोद में मर जाना मुश्किल है। मर जाना मुश्किल है। आइए अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूं और कहना है मेरा कि माता पिता और कोई हो पाता इस संसार में, ना कोई माँ का ऋण चुका पाया, ना कोई पिता का ऋण चुका पाया और ना कोई गुरु का ऋण चुका पाया। तो मात पिता और गुरु तीनों से ऋण ना कोई हो पाता, क्योंकि बढ़के पवित्र कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। इसीलिए इन तीनों से पावन राखी कोई नहीं है नाता, क्योंकि कहा जाता है आज के दौर में ये सब देखा जा रहा है क्या कि दूध माता का क्या बात है, अरे दूध माता का पी जाना आसान है, दूध माता का पी जाना आसान है, उनको पानी पिलाना मुश्किल। आज के दौर में ऐसा हो रहा है। शाबाश शाबाश बेटे, क्या बात है। हमारे प्रधान जी राजू भैया, आपके द्वारा 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। प्रधान जी को धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। सुनिएगा तो कहा गया दूध माता का पी जाना आसान है, उनको पानी पिलाना मुश्किल। और एक चीज और देखी जा रही है हमारे समाज के अंदर, क्या और ये मेरे दादा जिन लोगों से, जिन लोगों को देख देख करके हम लोगों ने सीखा है, आदरणीय दादा श्री माता दी विश्वकर्मा जी, आपके करकमलों के माध्यम से ये पुष्पहार और 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। ये हमारे भैया वीरेंद्र राजपूत जी, क्या बात है।
आप भी एक बहुत अच्छे सुरीले कलाकार हैं और आपके द्वारा ये बहुमूल्य 101 मुद्राएं हैं और एक पुष्पहार है। भैया को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा एक चीज और हमारे समाज के अंदर देखी जा रही है, क्या क्या बेटे? उनको पानी पिलाना मुश्किल है तो कहा। और आजकल लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि जो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको अपने बूढ़े माता पिता के सामने अपने दोस्तों के सामने ले जाने में बेइज्जती महसूस होती है। जाओ जाके चुपचाप अंदर लेट जाओ, हल्ला ना मचाना। आज हमारे मित्र हमसे मिलने आए हैं, जो मिले वो खा लो चुपचाप, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो मेरा कहना है कि लाठी उन पर उठाना आसान है, बूढ़े माँ बाप पर। अरे लाठी उन पर उठाना आसान है, लेकिन उनकी लाठी बन पाना मुश्किल है। बन पाना मुश्किल है, सहारा बन पाना, उनकी देखभाल कर पाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और क्या हो रहा है कि जन्म बेटी को दिलाना आसान है, हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो लोग पता लगा लेते थे कि गर्भ में बेटा है या बेटी है, तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जब पता लग जाता था तो अगर बेटी होती तो लोग उसको मार दिया करते थे। लेकिन अब हालांकि सरकार ने वो सिस्टम बंद करवा दिया है, वो सिस्टम बंद है। तो मेरा कहना है कि जन्म बेटी को दिलाना आसान है, जन्म बेटी को दिलाना आसान है, लेकिन लेकिन लाज बेटी की बचाना मुश्किल। एक चीज और देखी जा रही है कि चार कुत्तों को खिलाना आसान है। बाबूजी का कुत्ता सोफे पर बैठा है, शैम्पू से नहलाया जा रहा है और क्या, मक्खन ब्रेड खिलाया जा रहा है, लेकिन चार कुत्तों को खिलाना आसान है। तो चार कुत्तों को खिलाना आसान है, गाय माता को खिलाना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। और शंभू भैया आप जहाँ भी हो मंच पर आइए, जैसा भी दिशा निर्देशन आप करें। ये गीत बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, चलिए हमारे भैया करें एक कटपी सुना दीजिए हमारे भाइयों के लिए। हाँ हाँ सुना दीजिए बेटे। अभी आपने तमाम प्रकार की झांकियों का भी आनंद लिया है। देखिए आजकल एक गाना बहुत बज रहा है, कौन सा बेटे? फिल्म का नाम हमें नहीं मालूम। हाँ सपना चौधरी। एक गाना बजा कि चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, हाँ
भाई गले में कंठ बिजड़े गेर टोकरी चांदी की ले आई रूप कदी लेकिन आइए एक माता रानी की झांकी मैं अपने गाने के माध्यम से आपको दिखा रही हूं। और भैया जी आप लोग सुनिएगा, एक माता रानी की पुजारन है, वो माँ के दरबार में जाती है और देखिए माँ के लिए क्या क्या लेके जाती है। अच्छा भैया नीरज ठाकुर जी बोलने में लड़का कुछ दब रहा है दबा ना करो बेटा हिम्मत से नीरज हम तुम्हारे साथ। अच्छा नीरज ठाकुर जी और धर्मेंद्र शर्मा आप दोनों भाइयों की तरफ से ये 50-50 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे पंकज ट्रेडिंग कंपनी जिसके प्रोप्राइटर हमारे रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, पंकज भैया आपके माध्यम से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। सम्मान श्री संजय अवस्थी जी अध्यक्ष हैं आप कीर्तन कला मंच के रायबरेली से, और आपके द्वारा ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। ले बेटे ले, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। एक मिनट तो गीत सुनिएगा, वो माँ की पुजारन माँ के दरबार में गई बेटे, और देखिए माँ के लिए क्या लेके गई है। क्या कहने लगी, माँ मैं आपके लिए लाई हूँ क्या कि चुनरी विंध्या चल से मंगवाई, चुनरी विंध्याचल से मंगवाई फिरोजाबादी कंगन लाई और बनारस की साड़ी मन भाई, बनारस की साड़ी मन भाई ओढ़नी आजमगढ़ से रंगवाई। और क्या लाई हूँ माँ, और जैसे ही माँ के दरबार में गई और माँ को देख के कहने लगी, चांद का टुकड़ा माई का मुखड़ा, यही बजो यही, चांद का टुकड़ा माई का मुखड़ा चमके जियो सूरज की लाली। और जब झांकी को देखा तो देख के बोली, भैरव के संग बजरंग बाला, एक तरफ भैरव जी एक तरफ हनुमान जी हैं, भैरव के संग बजरंग बाला, और दोनों कैसे हैं, एक मूछ वाला एक पूछ वाला, भैरव के संग बजरंग बाला मूछ वाला एक पूछ वाला और बीच में माँ शेरा वाली, बीच में आपके लिए क्या कि केरल का नारियल भुसावल का केला मनवाया, केरल का नारियल भुसावल का केला मनवाया, और अरे पेठा आगरे का पेड़ा मथुरा का भोग लगाया, मथुरा का भोग लगाया, मथुरा का भोग लगाया। तो केरल का नारियल भुसावल
क्या बरेली का झुमका बरेली का झुमका हाथ का कजरा इधर देखो उधर फोटो खींच रही तुम्हारी बरेली का झुमका हाथ का कजरा साथ में सुरमा भोपाली बरेली का झुमका आंख का कजरा साथ में सुरमा भोपाली और कहा भैया देखे कैसे कैसे भक्त माता रानी के दरबार में जाते हैं माँ को देख के कहती है अरे माथे बीच चमके बिंदी माता के और क्या माथे बीच चमके बिंदी भक्त पंजाबी या सिंधी माथे बीच चमके बिंदी भक्त पंजाबी या सिंधी तो जय हो माँ शेरावाली अरे जय जय माँ शेरावाली दरबार की जय बहुत बहुत धन्यवाद है और ये विशाल जवाबी कीर्तन दिनांक 1/4/2021 जिसमें पार्टियां हैं आदरणीय चेतना आजाद जी गोंडा से एवं रामू शर्मा जी जलेशर से क्या बात है और ये कार्यक्रम स्थल है नींबू वाला बाग फिरोजाबाद में यह कार्यक्रम होना है तो संजय भैया ये सूचना आपने भेजी है और आपकी तरफ से 51 मुद्राएं भी हैं लेकिन उधार हैं बाद में दे देना कोई बात नहीं तो भारी से भारी संख्या में पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं सभी लोग और मेरी ओर से ये जो भी भैया का आदेश था उसको मैंने पूरा किया और